सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लैरावेल 6.0 जो लॉन्च हुआ है जस्ट रिसेंटली। सो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैरावेल 6.0। तो इसमें क्या क्या नए फीचर एडवांस क्या आया है इसमें, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जो इसमें एक तरह से जो इसका वर्जन है, जो सपोर्ट पॉलिसी है, तो इसमें सपोर्ट जो बग फिक्सिंग अनटिल सितंबर 3rd 2021 तक रहेगा, और रिलीज़ अभी सितंबर 3rd 2019 में हुआ है। एंड सिक्योरिटी फिक्स अनटिल कब तक तो इसने जो लैरावेल के अकॉर्डिंग है, ये है सितंबर 3rd 2022, तब तक आप इसमें बेफिक्री यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लैरावेल 6.0 में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, और लास्ट जो हमारा वर्जन था 5.1 से क्या डिफरेंट है इस वर्जन में, हम सब कुछ धीरे धीरे एक एक स्टेप को अच्छे से जानेंगे। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन समथिंग समझें, तो लैरावेल 6.0 LTS, सो LTS मींस होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जब कब तक मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैरावेल के अकॉर्डिंग है। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेंट इन लैरावेल 5.8 बाय इंट्रोड्यूसिंग सेमेनेटिक वर्जन। सो हम एक एक चीज़ को बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वर्जन लॉन्च हुए हैं, क्या क्या फीचर्स लॉन्च हुए हैं। तो मेजर जो फीचर इसमें लॉन्च हुए हैं, 8 फीचर लॉन्च हुए हैं लैरावेल 6.0 में। तो जैसे कि एक है सेमेंटिक वर्जन, लैरावेल वेपर कैपेबिलिटी, इम्प्रूव्ड एक्सेप्शंस वाया इग्निशन, इम्प्रूव्ड ऑथोराइजेशन रिस्पांस एंड जॉब मिडलवेयर एंड लेजी कनेक्शन, इलोकेंट सब क्वेरी इन्हेंसमेंट, लैरावेल यूआई। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या है इसमें, सेमेंटिक वर्जनिंग है इसमें क्या नया लॉन्च किया गया है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा HTML वैलिडेटर हम यूज़ करते हैं, W3 वैलिडेटर में जाके CSS JS की हम इमेजेस जो होती हैं यूज़ होती हैं, CSS क्या यूज़ होती हैं, तो वैलिडेट करता है। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि क्या किस तरह से इरर आ रही है, उस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सारी रिपोर्टिंग मिल जाती है। तो सेमेंटिक जो वर्जनिंग लॉन्च हुई है इस काइंड ऑफ वैलिडेटर, ओके, लैरावेल में सेमेंटिक वर्जन एक तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, तीन तरह की होती हैं, एक मेजर, माइनर और पैच। तो मेजर में क्या होता है कि सपोज लैरावेल का 5 वर्जन था, अब 6 वर्जन लॉन्च हुआ, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू लैरावेल। तो इसमें मेजर हुआ क्योंकि इसमें PHP 7 सपोर्टेड है, उसके पहले जो है PHP 7 सपोर्टेड नहीं था, तो इस वजह से आप समझेंगे ये मेजर वर्जन है। माइनर क्या होता है, इट विल टेक, मतलब ये क्या करता है, थोड़ा लेस टाइम लेगा एज ए कम्पेयर टू पैच। और माइनर में जैसे कि कोई फीचर, सिक्योरिटी फीचर लॉन्च हो गया, या कोई जैसे UI फीचर कुछ लॉन्च कर दिया, तो जस्ट माइनर चेंज कि आपको एज अ PHP 7 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनर चेंजेस हुए हैं तो माइनर होता है। और पैच क्या होता है, जैसे अभी रिलीज किया, अभी कुछ दिनों में फिर एक कोई वर्जन लॉन्च हो जाए, वो पैच होता है। तो छोटे मॉड्यूल उसमें लॉन्च करना होता है, जैसे कि सपोज एक वर्जन है 6.01, तो लॉन्च हो गया 6.0.2, तो बेसिकली लास्ट वाले जो पॉइंट है वो डिफरेंस हुए है। और माइनर में क्या होता है, जैसे 6.2 लॉन्च हुआ, तो 6.1 6.2, उसमें पॉइंट के बाद जो होगा 6.0.1, काइंड ऑफ ये जो वर्जनिंग होती है, ये सेमेंटिक वर्जनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब फर्स्ट हो गया, होप सो आपको क्लियर होगा। इफ़ डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। लैरावेल वेपर कैपेबिलिटी, अब इसमें क्या है, जो लैरावेल वेपर कंपेबिलिटी है इसमें क्या है जो दूसरों से डिफरेंस है, तो क्या होता है, सर्वरलेस बहुत ज़्यादा आज की डेट पे यूज़ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा इसको समझाने के लिए आपको डिटेल में। सपोज़ कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में दिन में कितनी ट्रैफिक होती है, अप्रॉक्स हम समझे 1 लाख यूज़र डेली दिन में आ रहे हैं। अब रात में हो सकता है जो जॉब वाले हो दिन में नहीं यूज़ करते हो, रात में आके चेक करते हो, तो हो सकता है 10 लाख यूज़र हो जाए। हो सकता है सैटरडे संडे जब फ्री होते हैं तो हो सकता है 1 CR समथिंग ट्रैफिक हो जाए। हो सकता है जिस दिन फेस्टिवल चलता है तो उस दिन पूरे दिन हो सकता है 10 CR समथिंग ट्रैफिक हो जाए। तो डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। तो अब सर्वर किस तरह से उसको रिक्वायरमेंट होगी, सर्वर काफ़ी बड़े लेवल में उसको सर्वर लेना होगा, बट वो बड़े लेवल के अकॉर्डिंग कब लेगा, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो सर्वर उसका रिजर्व हो गया। और बाकी टाइम में जैसे मंडे से लेके आपका फ्राइडे तक बहुत कम यूज़ हो रहा है, सैटरडे संडे ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, सर्वर हमारा यूजलेस हो जाता है। तो उस टाइम में लैरावेल जो है वेपर
कैपेबिलिटी है इसमें 6.0 में प्रोवाइड, ये क्या कराती है, ऑटो स्केलिंग, आपने सुना होगा सर्वरलेस, तो इसलिए आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है इसमें इसका यूज करने के लिए। जैसे ये देखिए लैरावेल मैनेजिंग लैरावेल AWS लैम्डा, AWS में यूज होती है लैम्डा फंक्शन, लैम्डा जो दिया हुआ फीचर उसमें आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, और उसके साथ में SQS जो होती है सिंपल क्विक सर्विसेज होती है उसमें साथ यूज कर सकते हैं, डेटाबेस यूज कर सकते हैं, रेडिस क्लस्टर नेटवर्क एंड क्लाउड फ्रंट CDN एंड मोर सर्विसेज के साथ इसके साथ कैपेबिलिटी है। तो आप इसको ये देखिए लैरावेल वेपर, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, सारे फीचर्स हैं यहाँ पे vepr.laravel.com। तो डिटेल में आप यहां से आके देख सकते हैं सारी चीजें हैं, मे बी इसका कॉस्ट होता है, आप साइन अप करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस देखिए, डेटाबेस के साथ में है, कैचेस के साथ में है, एंड क्विक हमने बताया, और क्लाउड स्टोरेज की तरह जैसे S3 यूज होता है इसमें, आप उसकी तरह यूज कर सकते हैं। तो ये है इसमें मेजर बेनिफिट, मैट्रिक्स क्लाउड फ्रंट CDN DNS सर्टिफिकेशन, तो आप यहां से आके चेक कर सकते हैं डिटेल में। मैं इसमें आने वाले टाइम में इस पे पूरा वीडियो विद एग्जांपल के साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा, तो मैं भी आपको एज ए इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ इसमें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये क्या है, इम्प्रूव्ड एक्सेप्शंस वाया इग्निशंस, ये क्या है लैरावेल 6.0 विथ इग्निशंस। तो ये काइंड ऑफ मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इसमें क्या होता है, इन्होंने जैसे ब्लेड की इरर थी, ब्लेड क्या है इसमें फ्रेमवर्क है, तो उसपे किसी तरह की इरर आती थी तो उसको इम्प्रूव किया है। जैसे कि कोई फाइल है, कोई लाइन नंबर है, या फिर कोई हैंडलिंग है, या रनएबल सॉल्यूशन है किसी तरह का, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मेजर एक्सेप्शंस हैंडल करने का तरीका। तो इसमें नया वर्जन जो लॉन्च हुआ है उसको इग्निशंस है, ओके। इम्प्रूव ऑथोराइजेशन रिस्पॉन्स, तो बेसिकली इम्प्रूव ऑथोराइजेशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने लॉगिन किया, अब लॉगिन के बाद में मुझे क्या क्या ऑथोराइजेशन होना चाहिए, सपोज कि मैंने एडमिन है और एडमिन के नीचे मैंने बनाया कि जैसे कोई डेवलपर है तो उसको क्या मैं फीचर चाहता है कि वो ऐड कर पाए, कोई ब्लॉगर है तो उसको किस तरह से फीचर वो यूज कर पाए, तो हम यहां से इसको यूज कर सकते हैं इसका। तो इसको यूज करने के लिए गेट इंस्पेक्ट, आप देखेंगे ये नीचे जो दिया है गेट इंस्पेक्ट एक मेथड दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज करके आप यूज कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं जहां जहां पे है आप यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि नए फीचर्स के साथ में आप ये देखिए पूरा लैरावेल ने नया लॉन्च किया है, ठीक है, गेट ऑथोराइज करके ये मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जॉब मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर जैसे आपने पहले भी लैरावेल के वीडियो देखे होंगे या फिर आपने काम किया होगा उसमें, तो क्या होता है मिडलवेयर, जैसे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में वो मिडलवेयर क्या करता है, चेक करता है सारी रिस्पॉन्स को भेजने से पहले, ओके। तो ये जो होता है एक एज अ जो मिडलवेयर एक ब्रिज होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। समटाइम क्या होता है कि सेम जॉब रिटर्न होती है तो उसको चेक करने का जो होता है, इसमें एक नया वर्जन लॉन्च किया जॉब मिडलवेयर, तो वो चेक करता है कि रिस्पॉन्स सेम है, रिक्वेस्ट सेम है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मिडलवेयर से यूज कर सकते हैं। और मिडलवेयर में पहले वर्जन में क्या होता था, हमें जाके इस तरह से सारे कोड को यूज करना होता था, ये सारा ये प्रीवियस वर्जन की बात करें जैसे 5.8 वगैरह में सारी चीजें 6 के पहले, अब क्या होता है आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप राउट्स में चाहते हैं, कंट्रोलर में चाहते हैं, क्लास आप बना के कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राउट हो या राउट में हो या कंट्रोलर आपने क्रिएट किया उसमें यूज कर सकते हैं आप। ये सारा एग्जांपल आप देखेंगे तो इस तरह से आप इसको देख के यूज कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैं आपको एज अ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, आप देखिए मिडलवेयर मेथड यूज करके आप इस तरह से पूरा यूज कर सकते हैं। लेजी कलेक्शन, तो आपने पहले भी सुन चुका होगा लेजी क्या होता है, लेजी लोडिंग काइंड ऑफ उस तरह से लेजी कलेक्शन लैरावेल ने लॉन्च किया है एक नया फीचर। तो इसमें क्या होता है, लोड टाइम जो होता है आपका रिस्पांस टाइम काफी फास्ट हो जाता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी चीजें। किसी भी फाइल्स का रिस्पांस टाइम होता है तो आप उसमें जैसे एज अ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो क्या करता है रिस्पांस सीक्वेंस वाइज लेके आता है, तो उससे आपका जो होता है रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है इसमें। एलोकेंट सब क्वेरी, एलोकेंट सब क्वेरी में आप देखेंगे इंट्रोड्यूस हुआ है सेवरल नए फीचर इसके साथ में। डेटाबेस में जैसे सब क्वेरी आप लिखते थे तो उस तरह से नए फीचर के साथ में लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। आप यूजिंग सब क्वेरी सेलेक्ट फंक्शनलिटी लेवल 6.0 वी कैन सेलेक्ट ऑल डेस्टिनेशन एंड नेम ऑफ द फ्लाइट मोस्ट रिसेंटली अराइव्ड एट द डेस्टिनेशंस। जैसे कि यहाँ पे
वी कैन सेलेक्ट ऑल डेस्टिनेशन, सारी डेस्टिनेशन, द नेम ऑफ द फ्लाइट, द मोस्ट रिसेंटली अराइव द डेस्टिनेशन, जो आई हुई सैप कैरी का यूज़ करके डेस्टिनेशन पर जो भी फ्लाइट्स आई हैं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन एडिशनल वी कैन यूज़ न्यू सब क्वेरी फीचर्स एडेड टू क्वेरी बिल्डर. क्वेरी बिल्डर में ऑर्डर बाई जैसे फंक्शन है उसमें कुछ और भी है, सॉर्टेड और डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द लास्ट वैल्यू. जैसे आपको लास्ट वैल्यू फैच करनी है फ्लाइट कौन सी आई है अराइव, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बाई का यूज़ करके शॉर्ट कर सकते हैं. अब ये देखिए एग्जाम्पल है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इस तरह से आप क्वेरी को यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक मेथड भी दी है देखिए, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, इस तरह से आप इसका यूज़ करके सेलेक्ट करके सारा इसमें फैच कर सकते हैं. लैरावेल यूआई, अब ये फ्रंट एंड के फीचर से लैरावेल ने लॉन्च किया है. जैसे कि आप देखेंगे इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. इसमें लैरावेल यूआई जो कंपोजर होता है आप उसको इंस्टॉल करके, दिस अलाउ द फर्स्ट पार्टी यूआई टू डेवलप एंड वर्जनिंग सेपरेटली फ्रॉम प्राइमरी फ्रेमवर्क. ओके, जो लास्ट वर्जन था फ्रेमवर्क का उसकी कंपेयर में इन्होंने काफी एडवांस लॉन्च किया. जैसे कि मेक ऑथ करके आपको इस तरह से कमांड जो होती थी.